हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आसान तरीका में। आज हम फिर से लेके आ गए एक मज़ेदार रेसिपी, पोहे के साग की सब्ज़ी। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पोहे की भजिया बनाने बताया था, तो आज ये वीडियो में हम पोहे के साग की भाजी बनाएंगे। तो जैसे कि आपको मैंने इसके फ़ायदे बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। जिसको घुटने में दर्द हो रहता है जॉइंट में, तो ये खाने से जॉइंट का पेन भी चला जाता है, तो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स बहुत भर भर के होते हैं। तो आइए देखते से कैसे बनाते हैं। इसके पत्ते को हमने जो काट के ले लिया था, और जो इसका बचा हुआ डंडी रहता है इसको उसको फेंकते नहीं है, उसकी भी सब्जी बनाते हैं। तो डंडी का ऊपर का रेशा जो रहता है लेयर, इस तरह चाकू से हम निकाल लेते हैं चारों साइड से, इस तरह से घुमा घुमा के, और इसको बीच में से हम काट के ले लेंगे इस तरह से। आपको जितना लंबा रखना है आप उतना लंबा रख सकते हैं, बाकी का जो बीच बीच में लेयर आते हैं वो निकालते जाएंगे इस तरह से, और अपने हिसाब से जितना लंबा रखना है उस तरह से काट के ले लेंगे। और जैसे कि आप सबको बता दूँ कि इसके डंडिल में भी सेम प्रोटीन, विटामिन, फाइबर ये सब होते हैं, तो उसको हम फेंकते नहीं है, सब्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। और ये इसको हम इंजेक्शन से ग्रो नहीं करते, इंजेक्शन केमिकल ये सब से ग्रो नहीं किया जाता है, ये अपने आप ही उग जाते हैं, इसके इतने सारे गुण पाए जाते हैं। तो आइए इसे काट के ले लेते हैं हम इस सबको। और इसके लिए हम एक साइड से दो आलू, बड़े आलू काट के ले लिया था, और ये पत्ते हमारे तो काट के तैयार ही है। तो हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। और जैसे कि ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। और जैसे कि हमारा राई चटकने लगा है अभी, तो जैसे कि हमारा राई चटकना बंद होएगा उसके बाद हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और इसे भी थोड़ी देर चटकने देंगे। और थोड़ी देर बाद इसमें हम 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ डाल देंगे। बड़ी सौंफ डालने से ये होगा कि इसमें थोड़ा एक अच्छा मस्त टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, और ये सबको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे थोड़ी देर भूंज लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा खिल के आएगा, इसके लिए मैं ये डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो। और इसमें फिर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप मिर्ची कितना रखना है आपको। और फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ी देर भूंज लेंगे सब मसाले को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। और जितनी देर अपन मसाले को भूंजेंगे उतना अच्छा और टेस्ट आएगा इसके अंदर। चलिए अपना मसाला अच्छे से भुजा गया, इसके अंदर अभी हम कटे हुए आलू को डाल देंगे, और अच्छी तरह से आलू को इसके अंदर मिक्स करके ले लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम पोहे के साग के पत्ते और डंडिल डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे। ऐसे ही थोड़े थोड़े पत्ते डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे आलू के साथ। और जैसे ये सारे पत्ते आलू के साथ मिक्स कर लेंगे हम डाल के, तो इसे अभी हम पकने के लिए 5 मिनट के ढक देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुका है, इसके अंदर से इसने पानी छोड़ना चालू कर दिया, ये अपना पानी छोड़ता है, पोहे के अंदर पानी रहता है जो पानी छोड़ता है अपने आप। तो ये इसे अभी हम थोड़ी देर और ढक के रखेंगे पकने के लिए। जैसे कि हमारा और 5 मिनट हो गया है, इसे अभी वापस हम मिक्स कर लेते हैं, देख सकते हैं आप पानी कितना छोड़ दिया इसने, तो अभी मिक्स कर देते हैं हम। अगर आपको ग्रेवी टाइप खाना है तो आप इतने में रख सकते हैं, अगर जैसे कि अभी मेरे को सूखा के खाना है तो मैं इसे थोड़ी देर और
5 मिनट पका लूँगा इसका और पानी जला लूँगा। तो इससे हम अभी और ढक लेते 5 मिनट के लिए पकाने के लिए। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया, ये हमारा कितना अच्छी तरह से पक गया, ये हमारा पोहे के साग का भाजी अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। टोटल हमें 15 मिनट लगा अच्छी तरह से इसको पकाने के लिए। तो ये अभी लास्ट टाइम अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अभी इसे सर्व कर सकते हो रोटी के साथ, बस चावल के साथ, इसके साथ भी आप इसे खा सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में इसे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि सब्जी आपको कैसी लगी।